वेलकम टू माय चैनल रज्जी फैशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए स्पेशल लेके आई हूँ गरबा स्पेशल। नवरात्रे आ चुके हैं और जो त्योहार हैं वो भी आने शुरू हो चुके हैं, तो हम अलग अलग टिप्स लेकर आएंगे आपको इस वीडियो में। तो गरबा में सबसे पहले आपके लिए मैं टिप्स लेके आई हूँ ड्रेस। ड्रेस कैसे होनी चाहिए गरबा में आपकी ड्रेस? चनिया चोली तो आपको पता ही है, इसमें कंपल्सरी होता है। कुछ कोई भी हम ड्रेस डाल सकते हैं, मगर चनिया चोली हमारे लिए बेस्ट है। आप इस तरीके से कोई भी चनिया चोली डाल सकते हैं, उसे अच्छी तरीके से डालिए। तकरीबन वो रेड हो, इसमें मिरर वर्क ज़्यादा चलता है, सिल्वर ज्वेलरी ज़्यादा चलती है। आप किसी भी तरह से इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आपके लिए देख रही हूँ, कुछ ड्रेस मैंने डाल के दिखाई है जिससे आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल सकता है ड्रेस की, ड्रेस किस तरह की होनी चाहिए। तो चनिया चोली तो मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बताया ही है। तो सेकंड है ये ब्रोकेट की जैकेट। इस तरह की ब्रोकेट की जैकेट, इसमें मिरर वर्क हो तो भी बहुत सुंदर लगता है, मिरर वर्क भी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास मिरर वर्क वाली जैकेट नहीं है तो इस तरह की आप ब्रोकेट की जैकेट सिलवा सकते हैं। आप किसी भी ड्रेस के साथ, चनिया चोली के साथ, सूट के साथ, शरारे के साथ, किसी के साथ भी इसे वेयर करेंगे तो आप बेस्ट ही बेस्ट लगोगे। तो सेकंड है ये फुलकारी दुपट्टा। अगर आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है और आपने गरबे में जाना है तो इस तरह से कोई भी फुलकारी का दुपट्टा आपके पास जरूर होगा, जरूर होगा। और इसमें ये किसी भी कलर में हो सकता है, रेड में, ब्लू में। मेरे पास ये ब्लू फुलकारी का दुपट्टा है जो बहुत ही प्रीटी लगता है। इसमें आप बेस्ट दिखने वाले हैं अगर आप गरबे में इसे ट्राई करते हैं। तो थर्ड है इस तरह का, जो कोई भी आप सूट ले सकते हैं या जैकेट, इस तरह से आप इस तरह से कोई भी सूट ले सकते हैं। इस पे मिरर वर्क है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह का मिरर वर्क गरबा में बेस्ट लगने वाला है। आप इसे भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ये जैकेट अलग से मिलती है, मगर मेरे इस कुर्ती में ये साथ में अटैच है जो काफ़ी प्यारी लगती है। गरबा में ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। आप इसे भी वेयर कर सकते हैं, इस स्टाइल से वेयर कर सकते हैं ताकि आपका सबसे सुंदर लगे। बात हम करते हैं ज्वेलरी की। इस तरह के ईयर, चांद वाली ईयरिंग आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। ये काफी प्रीटी लगती है, काफी सुंदर ही लगती है। इस तरह से ये वाले ईयरिंग आप अगर ट्राई करेंगी तो काफी अच्छा लगेगा, काफी सुंदर लुक आएगा। इस तरह ये सिल्वर गोल्डन सी है, सिल्वर ज्वेलरी भी काफी अच्छी लगती है। चने की चोली के साथ तो सिल्वर ही बेस्ट लगता है, मगर आपके पास सिल्वर ज्वेलरी नहीं है तो इस तरह से आप गोल्डन चांद वाली आप वेयर कर सकते हैं। इस तरह के इयररिंग भी काफी सुंदर लगेंगे, काफी सुंदर लगते हैं। इस तरह के इयररिंग आप डाल सकते हैं, बाहुबली वाले इयररिंग भी आप गरबे में ट्राई करें तो काफी बेस्ट लगने वाला है। इस तरह से आप ये इस तरह की इयररिंग आप वेयर कर सकते हैं जो काफी गरबा में स्टाइलिश लगता है। पे है आप इस तरह के जो ज्वेलरी है, इस तरह की आप जो बैंगल्स है उसे भी आप वेयर कर सकते हैं। ये काफी प्रीटी है, सिल्वर और गोल्डन लुक में है, ये काफी सुंदर लगते हैं जब आप इसे वेयर करते हैं। किसी भी ड्रेस के साथ ये काफी सुंदर लुक देंगे आपको, ये काफी ही प्रीटी लगते हैं। इस तरह के कंगन भी आप गरबे में ट्राई कर सकते हैं। इस तरह के रेड के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये डाले हुए कंगन, ये भी बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। मेकअप के इस तरह के आईलाइनर के साथ, ये स्केच आईलाइनर है। इस तरह के अगर आप गरबा में जाते हैं और वो डॉट वाला फैशन देखते हैं, वो डॉट वाला फैशन वो काफी सुंदर लगता है। आप इस तरह से ऐसे इसे लगा सकते हैं। गरबा में मैंने काफी देखा है या थ्री डॉट देखे हैं। ये इस तरह से आप लगाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। याद रखिए, ये जब आप आईलाइनर इससे यहाँ यूज करती हैं तो वाटरप्रूफ होना चाहिए। ये ना हो नाचते वक्त आपका सारा मेकअप सारा ये इधर ही सारा फैल गया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और फेस्टिवल पर आपके लिए कोई ना कोई टिप्स ला सकूँ। तो बाय।